2.5। अब हमने पीएन फोटोडायोड बनाया। फोटोडायोड क्या होते हैं? सिग्नल डिटेक्ट करने के काम आते हैं, जैसे चोर को पकड़ने के लिए बल्गरल अलार्म होता है, नोट काउंटिंग होता है, तो इन समय बहुत सारी जगह पड़े होंगे फोटोडायोड यूज होते हैं। तो वो फोटोडायोड फैब्रिकेटेड फ्रॉम ए सेमी कंडक्टर विद बैंड गैप, एनर्जी गैप दिया हुआ है। एनर्जी गैप कितनी है भाई? तो एनर्जी गैप है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कहता है ये सिग्नल किस वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए जो अगर बैंड गैप है तो पहले वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ डिटेक्ट कर सकता है वो हम चेक कर रहे हैं। तो जो लैम्डा होता है वो होता है एस सी अपॉन एनर्जी गैप। ये वेवलेंथ और एनर्जी, फोटोन की वेवलेंथ और फोटोन की एनर्जी में रिलेशन है। आसान सवाल है ये। तो लैम्डा जो आ जाएगा, और एंगस्ट्रॉन में निकालना हो तो 12 नंबर 402 का जीरो, और यहाँ से एनर्जी गैप जो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है, कैलकुलेट करो। देखो ये जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में देखो कितना ये आता है बैंड गैप। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट 4960 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4960 एंगस्ट्रॉन। तो ये 4960 एंगस्ट्रॉन, दिस इज द वेवलेंथ डिटेक्टेड बाय द फोटोडायोड। लेकिन ये जो वेवलेंथ आता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है यार, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पड़े हो गए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो ये इससे कम, ये इस इतना या इससे कम वेवलेंथ ही डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये तो ज़्यादा इससे, तो ये कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा फोटोडायोड। अब ये जो नैनो है, नैनो मतलब होता है एंगस्ट्रॉन में है, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉन होता है और 10 की पावर 9 नैनो होता है। तो ऑब्वियसली नैनो ग्रेटर है एंगस्ट्रॉन से, तो ये भी वेवलेंथ ग्रेटर है, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, चलो।